इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सब सोच सकते हो जो आज तक आपने सोचा नहीं। नमस्कार मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि अगर आपको जॉब जल्दी से जल्दी पाना है एज अ फ्रेशर, तो आपको क्रॉस स्किल इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू अटेंड क्रॉस स्किल इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो आप तो रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन उसके भी कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आज आपको पता चलेगा कि आप क्रॉस स्किल इंटरव्यू कैसे अटेंड कर सकते हो। मैं अंकित कुमार, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी की शर्वानी में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स मूव ऑन। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और जेन्युइन जॉब की तलाश में हो, तो आप मेरा एफबी पेज ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है EJS इजी जॉब सीकिंग, जहां पे आपको बहुत सारी ओपनिंग की डिटेल मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि भैया, एज ए फ्रेशर अगर आप क्रॉस स्किल इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो तो आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो। देखो, जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे माइनर टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। देखो मेरे दोस्त, जब भी आप क्रॉस स्किल इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो, आपको पता है, एक दिन तो पहले आपको पता ही चल जाएगा कि आप कल फलाने स्किल का इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज ये करनी है, आपको अपने CV में एक पॉइंट और ऐड कर देना है, जिस स्किल का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, साउंड नॉलेज ऑन फलाना स्किल। मतलब स्किल का नाम आप लिख सकते हो साउंड नॉलेज ऑन आर गुड नॉलेज ऑन जावा। बाकी चीजें आपकी वही लिखे रहो, जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है वही आप लिखे रहो, जो आपकी कोर स्किल है आप वही लिखे रहो। लेकिन एक पॉइंट जरूर ऐड कर देना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है उस इंटरव्यू में, उसको हाईलाइट करने के लिए आपको ये भी आता है। तो मेरे दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही पता होगा कि आप किस स्किल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, स्किल का नाम से सर्च करो टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द जावा या फॉर द SQL फॉर द C, कोई भी, जो भी स्किल का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको गूगल में सर्च करो, और एटलीस्ट एक रात में बेसिक डिटेल पढ़ के जाओ। ये बेसिक डिटेल पढ़ के जाने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हो सकता है वो आपसे वही क्वेश्चन पूछ ले जो आपने रात के पढ़ा हुआ था, और आप कह भी रहे हो कि आपको साउंड नॉलेज है या गुड नॉलेज है, आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो उस केस में वो क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल कंसीडर कर सकता है, अगर आपने बाकी जो क्वेश्चंस उसने पूछे थे, जो क्वेश्चन वो पूछे थे वो हो सकता हो आपकी कोर ब्रांच से क्वेश्चन रहे हो, क्योंकि आपने CV वही मेंशन किया था, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस केस में। और अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप चले आना। देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ अपने ही बारे में। हम लोग क्या थे कि मैं और मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम अंकित ही था। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक साथ नॉन वाइस में जॉब कर रहे थे, KPMG में हम लोग नॉन वाइस में जॉब करते थे। तो वहां होते थे कि हम लोग रात का, हम लोग का नाइट ड्यूटी थी, मैं EEE ब्रांच से था, उसने जावा का कोर्स वगैरह कर लिया था, लेकिन उसको भी जॉब नहीं मिली थी, और मैं तो EEE ब्रांच से था, तो मुझे भी जॉब तो मिलनी नहीं थी बेंगलोर में, तो मुझे पता था। तो हम लोगों ने नॉन वाइस BPO का सिस्टम फॉर्मेट का काम हम लोग रात के करते थे। इसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था हम किस चीज के लिए इंटरव्यू देने जाते थे। एक दिन मैंने पोस्ट देखा कि मैसूर में किसी कॉलेज में चल रहा है, ऑफ कैंपस चल रहा है, वो भी उसका HTML डिजाइनर का। अब उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि CSS HTML JavaScript आपको आनी चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई, हम लोग ये इंटरव्यू देने जरूर जाएंगे। हम लोग डरे नहीं कि इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं क्रैक होगा, बस हम लोग गए। हम लोग 4 बजे उठे और एक रात हम लोगों ने सारे रात पढ़ा था बेसिक CSS क्या होता है, HTML क्या होता है, अच्छा एंकर टैग है, ये है वो है। हम लोगों ने w3school.com से थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लेके गए। वहां गए, हमको पता चला कि पहला राउंड एप्टीट्यूड होना है। एप्टीट्यूड में उसने वही क्वेश्चन पूछे थे जो हमने रात के पढ़ के गए थे, लेकिन किस्मत देखो कि उसको 20 क्वेश्चन में उसकी पासिंग मार्क 15 था,
और मेरे आए थे 13, उस दोस्त के आ गए थे 15। मैं तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया था उस प्रोफाइल में। हालांकि वो बाद में टेक्निकल राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन पहले राउंड में वो क्वालिफाई हो गया था। इससे क्या मिलता है, इससे क्या हमको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपको बेसिक पता है तो आप उस बेसिक से भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने वो इंटरव्यू क्रैक किया था। तो मेरे दोस्त, जब भी कभी आपके पास क्रॉस स्किल का आता है तो आप बेधड़ल्ले इंटरव्यू अटेंड करने जाओ, ये सोच के कि हम रिजेक्ट ही हो जाएंगे। लेकिन बेसिक पढ़ के जाना, बेसिक अगर पढ़ के जाते हो और आपने अपनी सीवी में जो लिखा हुआ है, क्योंकि आप जो अपनी सीवी में लिखते हो इंटरव्यू उसी से क्वेश्चन पूछता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपने सीवी में लिखा है कि मुझे ट्रायोड आता है, ट्रायोड मशीन के बारे में पता है, सिंगल फेज मशीन या थ्री फेज मशीन के बारे में पता है, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया और आपने ये भी लिखा हुआ है गुड नॉलेज ऑन पर्टिकुलर स्किल, तो हर इंटरव्यूअर को पता है कि एज अ फ्रेशर आपको सिखाना ही पड़ेगा। बिना सिखाए हुए आप काम नहीं करोगे, तो उसको जिस टेक्नोलॉजी में भी काम कराना होगा वो आपको करवा लेगा ट्रेनिंग देके, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ फ्रेशर आप जाते हो, किस ब्रांच से हो, कौन सा कोर्स किया था, क्या नॉलेज है क्या नहीं है, उनकी जहां भी रिक्वायरमेंट होगी आपको वहां पे फिट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, आज से बिना सोचे समझे आप क्रॉस स्किल इंटरव्यू, ये जो मैंने सजेशन बताया, इसको फॉलो करते हुए जरूर अटेंड करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हम डेली बना के देते रहेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कहीं पे आप कोई परेशानी को फेस कर रहे हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आप मेरा एफबी पेज ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड EJS, इजी जॉब सीकिंग। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।